मैं हूं मोहम्मद अंसर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राणा आंसर ऑफिशियल। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर मेरे जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ब्लॉगर का जो अकाउंट अटैच है, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हम ये किस तरह लगा सकते हैं। और अगर आप दोस्तों ने मेरी वेबसाइट को अभी तक विजिट नहीं किया तो इसको ज़रूर विजिट करें। www.rananswer.com मेरी वेबसाइट है, इसको आप ज़रूर विजिट करें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं अपने जो YouTube की वीडियो है इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें इसका लिंक ज़रूर दे दूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ओपन करना है YouTube को। YouTube को एक नहीं दो ब्राउज़र में ओपन करेंगे आप। जैसे ये मेरा YouTube ओपन हो गया, आपने इधर से जाना है माई चैनल, योर चैनल पर क्लिक करेंगे, ये खुल गया आपके पास। देखिए इधर कोई भी नहीं है, मेरे आपने देखा था मेरे 5 अकाउंट लिंक है, इधर एक भी नहीं है। तो इस तरह आप इसके भी जाएंगे। ये दो इसलिए किए हैं कि एक पे हम चेंज करेंगे, दूसरे पे हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो ये सिंपल हम इस पे जाएंगे कस्टमाइज चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कस्टमाइज चैनल। इसी पे एक बार क्लिक कर देंगे कस्टमाइज चैनल पे। तो ये YouTube स्टूडियो में इसको ओपन कर देगा। अब हम पिछले YouTube को बंद कर देंगे, हमने बेसिक इन्फो में जाना है। बेसिक इन्फो में देखें सबसे पहले चैनल डिस्क्रिप्शन। आप अपने चैनल के बारे में इधर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं आप चैनल किस मुतालिक, आप कौन कौन सी वीडियो फ्यूचर में यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपका बेसिक कॉन्टेंट कौन सा है, कि आप किस बेस पर ये यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन इधर लिखेंगे। उसके बाद नीचे चैनल का URL, इस चैनल के URL को आप जिसको भी सेंड करेंगे वो इससे डायरेक्ट आपके चैनल पर आ सकता है। उसके बाद अब जैसा कि ये देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है ऐड लिंक, यहाँ पे लिंक्स है ना, तो नीचे लिखा हुआ ऐड लिंक्स टू साइट यू वांट टू शेयर विद योर व्यूवर्स। जैसा मतलब कि आप अपने जो देखने वाले हैं उनको जो अकाउंट दिखाना चाहते हैं, मतलब जिसमें आपको वो फॉलो करें, तो इधर से आप दिखा सकते हैं। आपने सिंपल ऐड लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखें एक नया चीज़ ओपन होगी, इस पर लिखा होगा लिंक टाइटल रिक्वायर्ड URL रिक्वायर्ड। आपने इसको लिखना है। आपने सबसे पहले फेसबुक है, तो हम अपने दूसरे ब्राउज़र पे जाके फेसबुक को ओपन करेंगे। आपने फेसबुक की जो आईडी है वही आगे उसका नाम लिख देना। आपने सबसे पहले लिखना फेसबुक, साथ में इसका इंस्टाग्राम का भी लिखाना चाहता तो मैं इंस्टाग्राम भी लिखूंगा, साथ में लिंक्डइन का लगा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट ओपन हो गए, मैं इनको इन्हें ओपन करता जाऊंगा। ये मेरी प्रोफाइल है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी प्रोफाइल ओपन कर देगा। इधर मैंने अपनी प्रोफाइल पे ही क्लिक किया था तो इसलिए ये प्रोफाइल मेरी ओपन हो गई है, ऊपर मेरी आईडी आ गई। ये देखें ये भी इसके ऊपर ये रहा प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके टिकटॉक की भी ये प्रोफाइल ओपन हो गई। आपने सिंपल अपनी आईडी के ऊपर ही क्लिक करना है तो आपकी आईडी आपको इस तरह मिल जाएगी। आपने जाना है अपने क्रोम पे, इसी पे फेसबुक लिखा है ना, तो सबसे पहले हम फेसबुक का लिंक कॉपी करेंगे। इधर से Ctrl+C, हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया था तो हमारा अकाउंट आ गया था, हमने सिंपल इसको इस पर क्लिक किया और ये पेस्ट कर दिया। इस तरह हम एक और लिंक ऐड करेंगे, इस पर हम लिखेंगे इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम लिख दिया, हम इंस्टाग्राम लिख दिया, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखेंगे, इंस्टाग्राम लिख दिया। इसके बाद हम इस पे जाएंगे इंस्टाग्राम वाले पेज पे और इधर से हम अपनी आईडी का URL कॉपी करेंगे और इसमें आके पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट हो गया, अब इसको हम पब्लिश करके देखते हैं। ये पब्लिश हो गए, अब हम अपने चैनल पे जाएंगे। देखें अभी कुछ नहीं, हम इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो देखें इधर मेरे दोनों अकाउंट लिंक हो चुके हैं। ये देखें फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसी तरह आप बाकी भी ऐड कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। इसके बाद हम इसमें लिंक्डइन का लगा देते हैं। लिंक्डइन अपने सारे जो लफ्ज़ हैं वो छोटे ही ABC में लिखने हैं, कोई बड़े में नहीं लिखना। हम लिंक्डइन पे जाएंगे, अपने इस URL को कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। इसमें पेस्ट करेंगे, ये लिंक्डइन का भी पेस्ट हो गया। इसी तरह हम ट्विटर का भी पेस्ट कर देंगे।
हमने ये इधर ट्विटर लिख दिया और हम ट्विटर का यूआरएल भी इधर से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और इसको भी हम इधर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया, उसके बाद हम एक और लिंक मैं अपने ब्लॉग का भी लगाऊंगा, तो ये ब्लॉग मेरा, उसके बाद मैं अपने ब्लॉग पे जाऊंगा। इधर से मैंने इसको कॉपी किया, www.ranansar.com मेरे ब्लॉग की आईडी है, इसको भी ज़रूर विज़िट करें। ये मैंने अपने ब्लॉग का यूआरएल भी लगा दिया। अब हम इसको करेंगे पब्लिश, ये पब्लिश हो गया। वो कह रहे हैं चेंज पब्लिश गो टू चैनल, मेरे चैनल में जाएंगे, इसलिए दो खोले ताकि एक पे हम काम करें दूसरे पे हम प्रीव्यू देखें। तो इधर देखें ये मेरा चैनल, ये सब कुछ लग चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे फेसबुक पे, इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, उसके बाद लिंकडिन पे क्लिक किया, उसके बाद ट्विटर पे, और फिर लास्ट पे मैंने अपने फिर ब्लॉग पे क्लिक किया। जो पांच मैंने अकाउंट लगाए थे, देखिए मैंने पांचों अकाउंट को ओपन कर लिया। ये एक नए चैनल पे, एक नई विंडो में खुलेंगे। ये मेरी वेबसाइट है, इसको ज़रूर विज़िट करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसके बाद ये मेरा ट्विटर का अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद ये मेरा लिंक, ये आपका, आपको कह रहा है कि मतलब पहले अकाउंट बनाए फिर आप देख सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का, और सबसे एंड पे ये मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है वो ओपन हो गया। तो मैं इन सबको ख़त्म करता हूँ दोस्तों। फिर आपने आज की वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह अपने जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, मतलब अकाउंट्स हैं, वो किस तरह यूट्यूब के साथ लिंक कर सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना खुदा, से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह का मज़ीद कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँ। शुक्रिया।